हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ डर्ट रेस्क्योर डीआर रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट सीरीज का पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, ये जो सीरीज हमने मुरतब की है ये डर्ट रेस्क्योर डीआर पोस्ट से रिलेटेड है। अगर आपने डर्ट रेस्क्योर पे अप्लाई किया है तो ये सीरीज देखने से आपको डर्ट रेस्क्योर डीआर के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने फायर एंड डर्ट रेस्क्योर एफडीआर पर अप्लाई किया है तो उसके लिए जरूरी है कि आप इस मुकम्मल सीरीज को भी देखें, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो फायर रेस्क्योर एफआर की सीरीज है उसे भी लाजमी देखें। एफडीआर जो है ये फायर रेस्क्योर और डर्ट रेस्क्योर इन दोनों असामियों को इकट्ठा करके बनाई गई असामी है। एफडीआर की तैयारी के लिए इन दोनों सीरीज को देखना जरूरी है। नोट कर लें, ये जो डर्ट रेस्क्योर की सीरीज हमने बनाई है ये पाकिस्तान के तमाम सूबों, चाहे सूबा पंजाब है, चाहे सिंध है, चाहे गिलगित बल्तिस्तान है या आगे फ्यूचर में बलूचिस्तान आएगा, इन तमाम सूबों के रेस्क्यू डिपार्टमेंट के पेपर्स के लिए इंतहाई मौजू है। चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। इससे पहले के 125 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें डर्ट रेस्क्योर की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ तमाम करंट एंड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी ट्रांसफर ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इज कॉल्ड। इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज कहलाता है। इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज को मरीजों का इनखला कहते हैं उर्दू में। मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, इसे इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज कहा गया है। इसी टॉपिक को, इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज को हम आगे जाकर मुकम्मल वजाहत के साथ इसे डीपली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 127, सवाल नंबर 127। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज। मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के कितने टाइप्स हैं? व्यूअर्स, मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करवाया जाता है, शिफ्ट करवाया जाता है, तो ये जो मूव होती है, ये जो शिफ्टिंग होती है, ये दो तरह की होती है, जिसमें इमरजेंसी मूव भी हो सकती है और नॉन इमरजेंसी मूव भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 128, सवाल नंबर 128। व्हाट इज इमरजेंसी मूव? इमरजेंसी मूव क्या होती है? इमरजेंसी मूव्स आर रिक्वायर्ड इन इमीडिएट थ्रेट ऑफ लाइफ। इमरजेंसी मूव्स इस सूरत में की जाती हैं जब इंसानी जिंदगी को शदीद खतरा हो, और अगर फौरी तौर पर मरीज को अस्पताल शिफ्ट ना किया जाए तो मरीज की मौत वाकया होने का अंदेशा हो, इस सूरत में इमरजेंसी मूव की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 129, व्हाट इज नॉन इमरजेंसी मूव? नॉन इमरजेंसी मूव क्या होती है? नॉन इमरजेंसी मूव्स आर अप्लाइड वेयर इज नो इमीडिएट ऑफ थ्रेट ऑफ लाइफ। रेस्क्यूअर्स कैन शिफ्ट द पेशेंट विद रिलैक्स एनवायरनमेंट। नॉन इमरजेंसी मूव उस वक्त की जाती हैं जब मरीज या मुतासरा शख्स खतरे से बाहर हो, मरीज की जिंदगी को खतरा लाहक ना हो, तो इस सूरत में रेस्क्यूअर्स मरीज या मुतासरा शख्स को आराम से इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटीज अकॉर्डिंग टू मैन पावर। अफरादी कुव्वत की मदद से मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह तीन तरीकाकार की मदद से शिफ्ट किया जा सकता है, जिनमें वन रेस्क्योर, टू रेस्क्योर या थ्री रेस्क्योर का तरीकाकार शामिल है। ये तीन तरीकाकार हैं, आगे इनकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। वन रेस्क्योर में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टू रेस्क्योर में, थ्री में, इन तमाम को वन बाय वन आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये तमाम पॉइंट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ साथ व्यूअर्स, नोट कर लें, ये जो मुकम्मल सीरीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ये पास्ट एंड करंट पेपर्स पर मुश्तमिल है, और इसके साथ साथ हमने ट्रेड से रिलेटेड अहम तरीन सवालात को शामिल किया है। अगर आप इस मुकम्मल सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं
तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे इस सीरीज को बजरिए डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप ये नोट्स हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिए डाक मंगवा सकते हैं। हमारी ई टेस्ट वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है, www.etest.com.pk। क्वेश्चन नंबर 131, हाउ मेनी मेथड्स इन वन रेस्क्यूर कैरी टू इवैक्यूएट विक्टिम्स। किसी मुतासरा शख्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए या किसी मुतासरा शख्स के इनखला के लिए वन रेस्क्यूर कैरी में कितने तरीकाकार हैं जिसके तहत आप उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वन रेस्क्यूर कैरी में किसी भी मुतासरा शख्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के 6 तरीकाकार हैं। उन 6 तरीकाकार को शॉर्ट डिटेल में लिख दिया गया है, नोट कर लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इस पार्ट को डिस्कस करते हुए। ये एंकल पुल है, शोल्डर पुल है, ब्लैंकेट पुल है, बेबी कैरी पुल है, फायर फाइटर कैरी है, पैक स्ट्रैप कैरी है। ये 6 तरीकाकार हैं जिसमें अगर सिर्फ एक रेस्क्यूअर मौका पर मौजूद है तो वो मुतासरा शख्स को इन 6 तरीकाकार में से कोई एक तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। अब ये जो 6 तरीकाकार हैं ये क्या हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, व्हाट इज एंकल पुल मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम्स। वन रेस्क्यूर कैरी के बारे में डिस्कस किया गया है। वन रेस्क्यूर कैरी में अगर मौका पर सिर्फ एक रेस्क्यूर मौजूद हो तो वो एंकल पुल मेथड की मदद से किस तरह से एक मरीज को दूसरी जगह पे शिफ्ट करेगा। ये जो एंकल पुल मेथड है उसके बारे में पूछा गया है, उसकी डेफिनेशन है, नोट कर लें, याद कर लें, पेपर्स में हो सकता है डेफिनेशन जो है ये MCQs की सूरत में आपसे पूछ ली जाए। दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ क्विक मूव। दिस मेथड इज यूज्ड ओवर स्मूथ सरफेस। ये जो तरीकाकार है ये फौरी तौर पर मरीज को खतरा वाली जगह से हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीकाकार में मरीज को टखनों से पकड़कर खींचकर महफूज मुकाम पर ले जाया जाता है। जिस तरह ये देखिए आपके सामने पिक्चर के अंदर है, ये रेस्क्यूअर खड़ा है, इसने पेशेंट को एंकल से टखनों से पकड़ा हुआ है, टखनों से पकड़कर ये इसे खींच रहा है पेशेंट को और ये महफूज मुकाम तक इसे खींच कर पहुंचा देगा। व्यूअर्स, ये जो तरीकाकार है एंकल पुल का ये थोड़े फासले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी मरीज को, किसी मुतासरा शख्स को थोड़ी दूर तक ले जाना है तो वो एंकल पुल की मदद से उसे ले जा सकता है। और ये ज़हन में रखें कि ये जो तरीकाकार है एंकल पुल का ये ऐसी जगह पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर जगह, जमीन या सतह हमवार हो। ये जो तरीकाकार है एंकल पुल का ये कोई मुअस्सर तरीकाकार ना है। इस तरीकाकार में मरीज रगड़ वगैरह से ज्यादा जख्मी हो सकता है। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, हमने इस सीरीज में जितनी भी पिक्टोग्राफी यूज की है ये तमाम की तमाम पिक्टोग्राफी हमने इस वेबसाइट से ली है। ये आपके सामने स्क्रीन पर वेबसाइट लिखी हुई है, www.certlaw.com। ये तमाम डेफिनेशन, ये तमाम पिक्चर्स ये हमने इस वेबसाइट से ली है। अगर आप चाहें तो इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, व्हाट इज शोल्डर पुल मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम। मरीज को सेफ जगह पर, महफूज मुकाम पर पहुंचाने के लिए शोल्डर पुल मेथड क्या है। दिस मेथड ऑफ पेशेंट कैरी इज बेटर देन एंकल पुल। दिस मेथड सपोर्ट्स द हेड ऑफ द विक्टिम। ये तरीकाकार जो है इसमें मरीज को कंधों से पकड़ कर खींच कर महफूज मुकाम पर ले जाया जाता है। ये तरीकाकार टखनों से पकड़कर खींचने की निस्बत बेहतर है। इस तरीकाकार में एक रेस्क्यूअर मरीज की गर्दन को भी कलाइयों की मदद से सहारा देता है और कंधे से पकड़कर खींचता है। देखिए जैसा कि आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर रेस्क्यूअर ने सपोर्ट दी है मरीज की गर्दन को और उसके साथ साथ वो कंधे से पकड़कर मरीज को खींच रहा है ताकि इसे सेफ प्लेस पर ले जाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 134, व्हाट इज ब्लैंकेट पुल मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम्स। मुतासरा शख्स को महफूज मुकाम तक ले जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ब्लैंकेट पुल मेथड क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड टू कैरी विक्टिम्स बिकॉज दिस मेथड कैन बी यूज ऑन रफ सरफेस। कंबल की मदद से मरीज या मुतासरा शख्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या शिफ्ट करना ये एक अहम तरीकाकार है।
इस तरीकाकार में कंबल की मदद से मरीज को गैर हमवार सतह पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। इस तरीकाकार में मुतासरा शख्स को एक कंबल पर लटा दिया जाता है और जेन में रखें जहां से आपने कंबल को पकड़ना है जिस साइड से, वहां से मुतासरा शख्स का सर कम से कम 2 फुट के फासले पर हो ताकि कंबल को खींचते वक्त मरीज का सर और गर्दन महफूज रहे। जिस तरह आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है, एक रेस्क्यूर खड़ा है, उसने कंबल को पकड़ा हुआ है और कंबल को खींच रहा है। ये तरीकाकार ऐसा है कि अगर जगह हमवार नहीं है, रफ जगह है, वहां पर भी आप कंबल पर पेशेंट को शिफ्ट करके खींच सकते हैं, क्योंकि कंबल की वजह से मरीज को रगड़ लगने का खतरा अंदेशा कम से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज बेबी कैरी मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम। बेबी कैरी तरीकाकार या बेबी कैरी मेथड उस वक्त अपनाया जाता है जब मुतासरा शख्स बच्चा हो या ऐसा मरीज हो जिसका वजन बहुत कम हो, जिसे आसानी से उठाया जा सकता हो। इस तरीकाकार में रेस्क्यूअर एक बाजू से मरीज को घुटनों के नीचे से उठाता है, जबकि दूसरे हाथ की मदद से, दूसरे बाजू की मदद से मरीज को गर्दन के नीचे से सपोर्ट करके उठाता है। जैसा कि आपके सामने तस्वीर में दिखाया गया है, एक हाथ जो है रेस्क्यूअर का वो मरीज के घुटनों के नीचे है और दूसरा हाथ जो है वो उसने उसकी कमर के नीचे या उसकी गर्दन के नीचे रखा हुआ है ताकि उसे गर्दन से या बैक साइड से सपोर्ट देके उसे आसानी से उठा सके। व्यूअर्स, ये तमाम सवाल जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पे रीड आउट करना चाहते हैं तो तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। गूगल पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को ओपन करें, इसमें डेट रेस्क्यूअर के तमाम करंट एंड पास पेपर्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 में जितनी भी आसामियां आती हैं उन आसामियों के करंट एंड पास पेपर्स मौजूद हैं। ई टेस्ट वेबसाइट पे आपको जितने भी पेपर्स मिलेंगे, जितना भी डाटा मिलेगा वो 100% सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज फायर फाइटर कैरी मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम। मरीजों के इनखला के लिए फायर फाइटर कैरी मेथड क्या है। This method is used to carry patient to a long distance. Firefighter carry तरीकाकार में मरीज को ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीकाकार को अपनाने के लिए रेस्क्यूअर या मदद करने वाले का सेहतमंद होना जरूरी है, क्योंकि इस तरीकाकार में मरीज को जमीन से उठाकर कंधे पर रख लिया जाता है। जब मरीज कंधे पर रख लिया जाए तो फिर आसानी से ज्यादा फासले तक ले जाया जा सकता है। व्यूअर्स, जितनी भी डेफिनेशंस आपको बताई जा रही हैं, जिस तरह इसमें फायर फाइटर कैरी की डेफिनेशंस है, इन तमाम डेफिनेशंस को याद रखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डेफिनेशन आपसे खाली जगह के तौर पर, MCQs के तौर पर पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज पैक स्ट्रैप कैरी मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम्स। मरीजों के इनखला के लिए पैक स्ट्रैप कैरी मेथड क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है। दिस मेथड इज यूज्ड टू कैरी पेशेंट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरीकाकार में मरीज को कमर या बैक साइड पर उठा लिया जाता है। इस तरीकाकार में रेस्क्यूअर मरीज को अपने पीछे रखते हुए मरीज के दोनों बाजुओं को अपने सामने कर लेता है और मरीज के बाजू को आगे से पकड़ कर रखता है ताकि वजन मुतवाजन कर सके और मरीज गिरकर जख्मी भी ना हो। ये देखिए आपके सामने दिखाया गया है, ये डायग्राम के अंदर मरीज को पीछे रखते हुए उसके बाजू आगे कर लिए गए हैं। ये देखिए रेस्क्यूअर ने उसके बाजू पकड़े हुए हैं और उसे उठा लिया है ताकि महफूज तरीके से मुतासरा शख्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज बैक टू बैक कैरी मेथड फॉर इवैक्यूएशन ऑफ विक्टिम्स। मरीजों के इनखला के लिए बैक टू बैक कैरी मेथड क्या है। This method is used in case of vertical injury on victim's abdomen. ये उस वक्त तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है या अपनाया जाता है जब मरीज के पेट पर अमूदी जख्म हो या कट लगा हो। बैक टू बैक कैरी में मरीज का मुंह दूसरी साइड पर करके उसे अपनी कमर पर उठा लिया जाता है। ये भी एक टेक्निकल तरीकाकार है व्यूअर्स, जो हमने 6 तरीकाकार आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये 1 रेस्क्यूअर कैरी है। ये तमाम तरीकाकार उस वक्त अपनाए जाते हैं जब सिर्फ मौका पर एक रेस्क्यूअर मौजूद हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि 2 रेस्क्यूअर की मदद से मरीजों का इनखला किस तरह से मुमकिन है, या अगर मौका पर 2 रेस्क्यूअर मौजूद है
तो वो किन किन तरीकाकार के तहत मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। वीवर्स, ये कुल 6 तरीकाकार हैं जिनमें 2 रेस्क्यूअर किसी भी मरीज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें 2-person ड्रैग, 2-handed सीट, 4-handed सीट, चेयर कैरी, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर, ब्लैंकेट स्ट्रेचर। ये 6 तरीकाकार हैं जिनकी मदद से 2 रेस्क्यूअर किसी भी मरीज को इजीली, सेफ एंड साउंड एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। इन 6 के 6 तरीकाकार को हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज 2-person ड्रैग मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स। मरीजों के इनखला के लिए 2-person ड्रैग मेथड क्या है? दिस मेथड इज यूज टू कैरी कॉन्शियस पेशेंट। इट्स इजी वे टू शिफ्ट आर कैरी द पेशेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। 2-person ड्रैग तरीकाकार उन मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो होश में होते हैं। होशमंद मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये तरीकाकार 2-person ड्रैग जो है इंतहाई मौसर है और आसान है। इस तरीकाकार में 2 रेस्क्यूअर मरीज की मदद करते हैं और दोनों साइड से एक एक रेस्क्यूअर बतौर बिसाखी के मरीज को सहारा देता है और मरीज को आसानी से हॉट जोन से बाहर ले जाया जा सकता है। यहाँ पे हॉट जोन का लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है, सबका पार्ट्स में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। हॉट जोन ऐसी जगह को कहा जाता है जो खतरनाक हो या जहाँ पर खतरा हो। व्यूअर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप चंद MB पर मुश्तमिल है, 5-6 MB की ये ऐप है और इजी टू यूज है, इसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सिर्फ ई टेस्ट लिखना है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ई टेस्ट इस तरह आप लिख कर सर्च करेंगे, आपके सामने पहले नंबर पे हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आ जाएगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पेपर्स की तैयारी बिल्कुल आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें तो हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए हमारी इस ऐप को 5-star रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 141, 2-person ड्रैग मेथड इज आल्सो नोन एज। 2-person ड्रैग मेथड को ह्यूमन क्रच भी कहा जाता है। ह्यूमन क्रच का मतलब है बिसाखी या सहारा देना। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज 2-handed सीट मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स। मरीजों के इनखला के लिए 2-handed सीट क्या है? दिस टेक्निक इज यूज टू कैरी पेशेंट एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये तरीकाकार उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज को लंबे फासले तक ले जाना मकसूद हो। ये तरीकाकार मरीज को लंबे फासला तक ले जाने के लिए अपनाया जाता है। अगर मरीज बेहोश है तो तब भी ये तरीकाकार मुफीद है, क्योंकि इस तरीकाकार में रेस्क्यूअर मरीज को कमर वाली साइड से सहारा भी दे सकते हैं। आपके सामने दिखाया गया है, ये देखिए, सबसे पहले 2-handed सीट बनाई गई है। 2 रेस्क्यूअर खड़े हो गए हैं, उन्होंने एक बाजू की मदद से या एक एक हाथ की मदद से अगली साइड पर उन्होंने कवर किया है, दूसरी हाथ से उन्होंने मरीज की बैक साइड पे सपोर्ट बनाई है ताकि एक हाथ से मरीज को वो उठा सकें और दूसरे हाथ की मदद से वो मरीज को बैक साइड से सपोर्ट कर सकें। ये दोनों फोटोज आपके सामने जो हैं ये 2-handed सीट की हैं। क्वेश्चन नंबर 143, व्हाट इज 4-handed सीट मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स। सबका क्वेश्चन में हमने 2-handed सीट के बारे में पढ़ा था, अब हम इस क्वेश्चन में 4-handed सीट को डिस्कस करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर कॉन्शियस पेशेंट्स हु कैन कंट्रोल योरसेल्फ विदाउट सपोर्ट। ये तरीकाकार मरीज को मुनासिब दूरी तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीकाकार के तहत होशमंद मरीज को ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और सिर्फ ऐसे मरीजों के लिए ये तरीकाकार अपनाया जाता है जो अपने आप को खुद सहारा दे सकते हैं, जिन्हें सहारा देने की जरूरत ना पड़े। इस तरीकाकार में रेस्क्यूअर चारों हाथों से सीट बनाएगा और इस तरह रेस्क्यूअर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसा कि आपके सामने डायग्राम में देखें, चारों हाथों को पकड़कर 2 रेस्क्यूअर ने सीट बनाई है। सांप का जो 2-handed सीट हमने पढ़ी थी उसमें आप अनकॉन्शियस पेशेंट को, ऐसा पेशेंट जो होश में नहीं है या बेहोश है, उसे आप ले जा सकते हैं, लेकिन 4-handed सीट जो है इसमें सिर्फ आप कॉन्शियस पेशेंट को ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, व्हाट इज चेयर कैरी मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स। मरीजों के इनखला के लिए चेयर कैरी मेथड क्या है? दिस मेथड इज बेस्ट मेथड टू कैरी पेशेंट फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड फ्लोर आर ग्राउंड फ्लोर टू हाइट थ्रू स्टेयर्स।
इस तरीकाकार में कुर्सी का इस्तेमाल किया जाता है और दो रेस्क्यूअर दोनों साइडों से कुर्सी को उठाकर सीढ़ियों के जरिए नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं। जैसा कि आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है, एक कुर्सी को आगे और पीछे से दो रेस्क्यूअर्स ने पकड़ा हुआ है और ये एक महफूज और बेहतरीन तरीकाकार जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट इज इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स, मरीजों के इनखला के लिए इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर मेथड क्या है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सीरियस कंडीशन आर अनकॉन्शियस पेशेंट टू कैरी फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो तरीकाकार है इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर का, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब मरीज या मुतासर शख्स इंतहाई सीरियस कंडीशन में हो या अनकॉन्शियस हो। इस तरीकाकार में दो बांस या पोल और दो शर्ट्स की मदद से आरजी स्ट्रेचर बनाया जाता है। इस तरीकाकार में बांस, रस्सा और शर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तरह का स्ट्रेचर बनाना दरकार हो तो तकरीबन 16 मीटर रस्सा और कम अज कम 6-6 फुट के दो बांस और दो अदद शर्ट्स का होना जरूरी है। दो अदद शर्ट्स होंगी तो आप उनके शर्ट्स के बाजू में से आप बांस को गुजार देंगे तो जो शर्ट का दरमियानी हिस्सा होगा उस पर आप मरीज को लिटा लेंगे और रस्से की मदद से आप मरीज को सिक्योर कर लेंगे और लंबे फासले तक आप इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर मेथड की मदद से मुतासरा शख्स को या मरीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। व्यूअर्स नोट कर लें, इंतहाई अहम पॉइंट है। बहुत से कैंडिडेट्स अमूमन जो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इंटरनेट का पैकेज कर सकें। उन तमाम कैंडिडेट्स की सहूलत के लिए, वेलफेयर के लिए हमने ई टेस्ट फेसबुक पेज बना दिया है। आप फेसबुक पर जाएं, ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज आएगा। इस फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि हम रोजाना की बुनियाद पर ई टेस्ट फेसबुक पेज पर अहम तरीन सवालात और वीडियोस अपलोड करते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो तकरीबन तमाम कैंडिडेट्स ही यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ते हैं। इसलिए आप तमाम लोग जो इंटरनेट का पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते या ई टेस्ट अकेडमी से नोट्स बजरिया डाक नहीं मंगवा सकते, वो हमारे ई टेस्ट फेसबुक पेज से फ्री ऑफ कॉस्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज ब्लैंकेट स्ट्रेचर मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स, मरीजों के इनखला के लिए ब्लैंकेट स्ट्रेचर मेथड क्या है। दिस मेथड इज आल्सो यूज्ड फॉर अनकॉन्शियस और सीरियस पेशेंट्स। दिस मेथड इज बेटर देन इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर। व्यूअर्स, ये जो ब्लैंकेट स्ट्रेचर मेथड है, ये जो सबका हमने मेथड पढ़ा था इम्प्रोवाइज्ड स्ट्रेचर, उस मेथड से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये भी अनकॉन्शियस या सीरियस पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीकाकार में सिर्फ कंबल और दो बांस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें होता इस तरह से है कि कंबल को खोल दिया जाता है और दोनों साइडों पर, कंबल की दोनों साइडों पर बांस रखकर कंबल को लपेटा जाता है, तो इस तरह जो बांस होते हैं वो कंबल में फंस जाते हैं और मरीज को आप आसानी से उठा सकते हैं। जैसा कि आपके सामने डायग्राम में दिखाया गया है कि किस तरह से कंबल को लपेटा गया है और बांसों को दोनों साइडों पर रखा गया है, और जब दोनों साइडों पर बांस इस तरह रखे जाएंगे तो आप आसानी से मरीज को दरमियान में लिटा कर बांसों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, व्यूअर्स, सबका जो क्वेश्चन थे उसमें हमने वन रेस्क्यूर कैरी, टू रेस्क्यूर कैरी, इन दोनों तरीकाकार को डिस्कस कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन में थ्री रेस्क्यूर कैरी के जो मेथड्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। मुतासरा शख्स को महफूज मुकाम तक पहुंचाने के लिए या मरीजों के इनखला के लिए अगर तीन रेस्क्यूर मौका पर मौजूद हैं तो वो दो तरीकाकार की मदद से मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें हमक कैरी और थ्री पर्सन लिफ्ट, ये दो तरीकाकार शामिल है। अब ये दो तरीकाकार क्या है, इनकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज हमक कैरी मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स, मरीजों के इनखला के लिए हमक कैरी मेथड क्या है। थ्री रेस्क्यूअर्स पार्टिसिपेट इन दिस मेथड, रेस्क्यूअर्स कैन कैरी पेशेंट इजीली इन दिस मेथड। इस तरीकाकार में तीन रेस्क्यूअर शामिल होंगे, दो मरीज को एक साइड से उठाएंगे और एक रेस्क्यूअर मरीज को दूसरी साइड से उठाएगा। जिस साइड पर अकेला एक रेस्क्यूअर होगा वो ऐसा रेस्क्यूअर होना चाहिए जो दूसरे दो रेस्क्यूअर्स की निस्बत ज्यादा सेहतमंद हो, क्योंकि इस साइड से वो अकेला उठाएगा, उसे अकेला उठाना पड़ेगा। इसलिए जिस साइड पर अकेला रेस्क्यूअर हो, कोशिश करें कि उस साइड पर मजबूत सेहतमंद रेस्क्यूअर को खड़ा किया जाए। क्वेश्चन नंबर 149,
व्हाट इज 3-person लिफ्ट मेथड फॉर इवैक्यूएट विक्टिम्स, मरीजों के इनखला के लिए 3-person लिफ्ट मेथड क्या है। दिस मेथड इज यूज टू लिफ्ट पेशेंट फ्रॉम बेड आर स्ट्रेचर। वीवर्स, ये जो 3-person लिफ्ट मेथड है ये उस सूरत में अपनाया जाता है जब आपने मरीज को बेड से उठाना है या स्ट्रेचर से उठाना है। ये तरीका कार मरीज को कुछ फासला तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने पेशेंट को बेड से उठाना है और उसे उठाकर एम्बुलेंस तक लेके आना है, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो इस सूरत में आप इसे 3-person लिफ्ट मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये तरीका कार थे जिसने 1 rescue carry, 2 rescue carry या 3 rescue carry को हमने डिस्कस किया है। इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक्स थे, इन्हें लाजमी याद कर लें, नोट कर लें, लिख लें। जिन कैंडिडेट्स ने तो नोट्स मंगवाए हैं उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में ये तमाम चीजें डिटेल के साथ मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इन्हें याद कर लेंगे, लिख लेंगे, तो फ्यूचर में आपको बहुत सी जगहों पर ये तरीकाकार, ये मेथड्स काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 150, सवाल नंबर 150 है, विच डैम इज मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के लिए पानी का जो सबसे मेन सोर्स है वो कौन सा डैम है। खानपुर डैम जो है ये इस्लामाबाद के लिए पानी का सबसे मेन सोर्स है। खानपुर डैम जो है ये दरियाए हारो पर बनाया गया है जो कि खानपुर के पीके में वाक्या है। खानपुर डैम को 1969 में बनाना शुरू किया गया और ये डैम 15 साल के अरसे में मुकम्मल हुआ। 1983 में 1983 में खानपुर डैम को ऑपरेशनल कर दिया गया। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डर्ट रेस्क्यू और डीआर रेस्क्यू 1122 सीरीज के पार्ट 7 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट्स आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह हाफिज।